In this video, we will study integration by parts. Actually, what is the mean of integration by parts and how to use integration by parts? Wherever you see some function in the product form, so here you should apply integration by parts in the integration, right? So अभी मुझे कोई भी अगर मैं आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं प्रॉपर सो हमको कोई भी जो फंक्शन दिया होगा वो इस टाइप से दिया होगा इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स हियर यू वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स देन उसको हम कैसे इसको ओपन करेंगे इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होता है वो हम समझते हैं सो मैंने यहाँ पर देखिए इसको लिख रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन है ना मैंने u को यहाँ पे एज अ फर्स्ट फंक्शन लिया है देन v को एज अ सेकंड फंक्शन लिया है तो अब इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सो इसका जो फॉर्मूला है वो है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन डी एक्स ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमको याद करना है राइट इसके थ्रू हमें कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कैसे इसको अप्लाई करना है तो वो हम समझते हैं अपने आने वाले वीडियोस में और जिसमें प्रॉपर में सारी आपको एक्सरसाइज 7.6 जो है उसको हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी को अब इसमें क्या है बिफोर वी गो थ्रू डायरेक्ट ऑन द प्रॉब्लम वी शुड नो समथिंग अबाउट आईलेट एन ये आईलेट क्या होता है ये आईलेट समझना बहुत काम का है एक्चुअली इसके बिना हम प्रॉपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज अगर हमको ये नहीं पता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे हमें किस में फर्स्ट फंक्शन लेना है किस में सेकंड फंक्शन लेना है राइट तो मैंने यहाँ पे आईलेट का फुल फॉर्म बताया सो नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईलेट एन सो आईलेट मीन्स आई मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस ए एल्जेब्रिक फंक्शंस टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड एन एंड नेचुरल नंबर सो नाउ अब किस टाइप के फंक्शन होंगे जो कि इनवर्स होंगे अभी हम समझ लेते हैं कि अब हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे ना इसमें हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो तो देखिए इनवर्स फंक्शन वो होंगे लाइक ऐसे दिया होगा हमको कोई साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स तो ये हमारे सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया अब इसमें हम क्या ले सकते हैं लॉग एक्स लॉग टू एक्स लॉग थ्री एक्स वॉट एवर जो भी हमारे लॉग राइट देन एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होंगे सी जो भी हमारी एक्स की पावर एन सपोज मैंने ले लिया एक्स पावर एन है मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ इस बेस पे सो अब जो भी हो सकता है एक्स एक्स भी हो सकता है हमारा एक्स हो सकता है एक्स पावर टू एक्स पावर थ्री रूट एक्स वॉट एवर जो भी है वो हमारा इस फंक्शन में आ जाएगा अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है यू नो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स सेक एक्स वॉट एवर ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गया एक्सपोनेंशियल क्या होता है यू नो डैट ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर टू एक्स ई टू पावर थ्री एक्स वॉट एवर ये सब हमारा इस फंक्शन में आ गया नेचुरल नंबर ये आप जानते हैं क्या होता है ठीक है सो ऐसे इस टाइप से हमें यहाँ पे आईलेट रूल को अप्लाई करना है ये हमारा होता है आईलेट रूल विदाउट इट आप समझ ही नहीं सकते हैं कि आपने कैसे इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यूज़ करना है किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है किसको हमको सेकंड फंक्शन लेना है तो उसके लिए यू शुड नो अबाउट इट व्हाट इज़ अ आईलेट रूल राइट सो नाउ एक्सरसाइज 7.6 प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट इंटीग्रेशन एक्स एन एक्स डी एक्स सी ये हमारा कोई प्रोडक्ट रूल में है फंक्शन है दो यहाँ पर हमारे पास एक्स के फंक्शन है इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन में है ही नहीं है इस दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना है फर्स्ट सेकंड फंक्शन में यूज करके इसको हमें सॉल्व करना है तो इसका हमें पर्टिकुलर आंसर वहाँ से फाइंड करते हैं सी अब फिर से वही माइंड में क्वेश्चन अराइज आपके हो जाना चाहिए कि अब हम इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या लेंगे सेकेंड फंक्शन क्या लेंगे सो देखिए यहाँ से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे हमारा जो ये एक्स है वो हमारा इसमें लाई करेगा एल्जेब्रिक फंक्शन में आएगा इट मींस इसको मुझे फर्स्ट एज अ फर्स्ट फंक्शन लेना होगा साइन एक्स हमारा उसके बाद है सो दैट इज अ सेकंड फंक्शन यहाँ से इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ सो नाउ लेट एक्स एज अ फर्स्ट फंक्शन आप इसको वर्ड एग्जाम में भी इस टाइप से लिख सकते हैं एंड साइन एक्स एज अ सेकेंड फंक्शन
राइट अब देखिए इसको मैं यहाँ पे भी लिख लेते हैं जिससे हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप बोर्ड एग्जाम में भी स्टेप से लिख सकते हैं कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसका आंसर निकालते हैं। सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट फंक्शन, आपका फॉर्मूला पहले क्या होता है उसको समझते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सो दैट इज साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ब्रैकेट का भी याद रखिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इट मीन्स एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स देन डी एक्स, राइट। इसका यहाँ पे डी एक्स जब हम इसको ओपन को क्लोज करेंगे सो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन का डी एक्स भी इसमें इंक्लूड होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सो एक्स साइन एक्स का हमारा होता है माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ से वन हो जाएगा, ठीक है। सो वन इंटू साइन इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा देखिए क्या आएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स देन डी एक्स, राइट। देखिए माइनस माइनस प्लस करके मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, तो मैंने प्लस यहाँ पर रखा और कॉस एक्स का हमारा, कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं साइन एक्स होता है इसका हमारा, सो इसको हम साइन एक्स लिख देते हैं डायरेक्ट, साइन एक्स प्लस सी। सो नॉट दिस इज योर फाइनल आंसर। सी अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अब भी इसको आपको देखिए अब हो सकता है कि आप कहीं मिस्टेक कर दें, हम कंफ्यूज हो जाएं सॉल्व करने में, इसको रिकनाइज करने में किसको मैं फर्स्ट लेना है किसको मैं सेकंड लेना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने जस्ट एक एग्जांपल लेती हूँ और उसमें क्या करते हैं जिसमें अभी हमने इसको सेकंड लिया है इसको हम फर्स्ट लेके देखेंगे एंड इसको हम सेकंड लेके देखेंगे, देन फिर देखते हैं एग्जैक्टली क्यों हम आइलेट रूल का यूज करते हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम होती है। सो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पे इसको लेना है फर्स्ट फंक्शन, इसको लेना है सेकेंड फंक्शन, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कि क्यों हम आइलेट रूल को यूज करते हैं, कहाँ से हमको रिकग्नाइज करना चाहिए कि हमने क्या फर्स्ट लेना है क्या सेकेंड लेना है। सो देखिए अब हमने मैंने स्टेप से इसको लिया, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो हमारा होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, सो दैट इज साइन एक्स का कर देंगे कितना हो जाना है कॉस एक्स हो जाएगा, और इंटू इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन का तो हमारा आ जाएगा एक्स टू द पावर टू देन डी एक्स। सी अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म जा रहा है वो एक्सपोनेंशियल की पावर बढ़ती जा रही है। अब इसमें हमें क्या करना होगा, जब मैं अगर इसको फिर से सॉल्व करूँ तो क्या होगा, ये एक्सटेंड होता जाएगा, आपका शॉर्टली आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे आइलेट रूल को समझना है कि हमने क्या करना है कैसे करना है, और इस टाइप से अगर मैं कर भी लूँ तो प्रॉपर चॉइस हमने यहाँ पे देखनी है कि क्या फर्स्ट फंक्शन है क्या सेकंड फंक्शन है क्या सिग्निफिकेंट उसके हैं, कहाँ से उसको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। सो इस टाइप से आप इसको नहीं ले सकते हैं जस्ट बिकॉज आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सो यही एक मेन रीज़न है जिससे हमें आइलेट रूल को समझ लेना चाहिए। आइलेट रूल अगर आपको याद नहीं है तो आप कर ही भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ऐसे ही कन्फ्यूज क्रिएट होता रहेगा कि आपने क्या लेना है कैसे लेना है, ठीक है। सो ये इस टाइप से हमने आइलेट रूल का यूज करना है, हमने अपना किया फर्स्ट प्रॉब्लम, अब करते हैं सेकेंड वाला।